कोई बोल रहा है कि वो जेल में है। अरे यार तुमने ये भी मान लिया कि वो जेल में है, कि जो लड़का एक मरी हुई चींटी पे पांव नहीं रखता है कि वो रेप करेगा वो भी किसी लड़की का? आप शादाब जहाँ पे भी है जैसा भी है वो सेफ है एंड ही इज नॉट राइट नाउ इन जेल, ही इज नॉट इन जेल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया की सारी न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो बिग इन्फॉर्मेशन, दो बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बैंक शादाब खान की तरफ से, जैसा कि आप लोग जानते हैं मुस्कान शर्मा ने शादाब खान पर रेप केस कर दिया है, उसके बाद से ही बैंक शादाब खान और शालिनी सूर्यवंशी इंस्टाग्राम पर अनएक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, उसके ही रिलेटेड मैं आपको दो बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पहली इन्फॉर्मेशन है शादाब खान के लॉयर अली काशिफ खान की तरफ से और दूसरी इन्फॉर्मेशन है बैंक शालिनी सूर्यवंशी यानी बैंक शादाब खान की वाइफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखना तो वीडियो पूरा समझ में आएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं काफ़ी टाइम के बाद एक्टिव हुई हूँ इंस्टाग्राम पे, तो बहुत से लोगों ने डीएम्स कर रहे थे, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि शालिनी आप एक्टिव क्यों नहीं हो इंस्टाग्राम पे, शादाब एक्टिव क्यों नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो हम किसी बहुत ही ज़रूरी काम में बिजी थे कि हम लोग एक्टिव नहीं हो पाए, तो शादाब भी वही रीज़न था कि वो भी एक्टिव नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था हमें। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, पहले तो मैं शादाब के बारे में ही बात करना चाहती हूँ कि सब लोग बोल रहे हैं शादाब ने रेप किया है, शादाब रेपिस्ट है, शादाब खान धोखेबाज है, शादाब ने ये किया, शादाब ने वो किया। गाइस, इतना तो सोचो, किसी चीज़ का रिजल्ट आने तक का तो आप वेट कर सकते हो ना, कि तुम किसी को जज कर लोगे। अगर किसी ने बोल दिया उसने ये किया और आप मान लोगे, और किसी ने ये भी बोला है कि शादाब खान ऐसा ही करता है सब लड़कियों के साथ, शादाब खान ने ऐसा ही किया है सब लड़कियों के साथ, तो गाइज इतना तो सोचो यार कि जब दो इंसान रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो दोनों की रजामंदी से सब चीज़ें होती है, चाहे वो एक हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़कियों में, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक ही चीज़ बोलना चाहूंगी कि दोनों की रजामंदी से होता है, चाहे तुम लिविंग रिलेशनशिप में रहो, चाहे तुम घूमो फिरो, चाहे तुम दिन सुबह से लेकर रात तक उस इंसान के साथ रहो। अगर तुमसे कोई हद पार नहीं हुई तो तुमने ये हद पार कर दी कि तुम डायरेक्ट लड़के को फंसा दो रेप केस में। यार वो इतना इनोसेंट लड़का है, अभी तुम बोलोगे अपने पति की तारीफ ले रही है, अपने पति की तरफदारी में बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एज अ ह्यूमैनिटी आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ कि जो लड़का एक मरी हुई चींटी पे पांव नहीं रखता है कि वो रेप करेगा वो भी किसी लड़की का। आप लोग खुद बोलते हो शादाब खान के हम वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कभी सुनना उस लड़के के मुँह से कभी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के अलावा कोई वर्ड नहीं निकलता। और गलती आप लोगों की भी नहीं है, पब्लिक को बोलना चाहूंगी, गलती आप लोगों की भी नहीं है, जो आपको दिखाया जाता है ना, आप सिर्फ और सिर्फ वही देखते हो, और जो इंसान चुप रहता है ना उसको आप अच्छे से बोलते हो कि यही इंसान गलत है। तो मैं सौ की सीधी बात बोलना चाहती हूँ, सिंपल बात बोलना चाहती हूँ कि माशाल्लाह शादाब एकदम अच्छे हैं, एकदम खुश है, उनको कोई तकलीफ नहीं। और कोई बोल रहा है कि वो जेल में है, अरे यार तुमने ये भी मान लिया कि वो जेल में है, किसने बोल दिया आप लोगों के साथ? बस ये बोलना चाहती हूँ कि वो कोई जेल में भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सही हैं। बाकी बस जो हमें प्यार करते हैं बस ऐसे प्यार दीजिए, और हमें डरने की भी जरूरत नहीं। और लोग बोलते हैं ना कि तुम डर रहे हो इसलिए तुम एक्टिव नहीं हो, कुछ गुनाह ही नहीं किया तो डरेंगे किस बात के लिए यार, इतना तो सोचो। बाकी छोड़ो, इतना बोलना चाहूँगी कि बस ऐसे ही साथ दो जो हमें प्यार करते हैं, ऐसे ही प्यार देते रहो। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ यार ये जज करना बंद कर दो, आपकी शादाब खान जेल में है या कहाँ है या क्या कर रहा है, तो प्लीज़ यार गाइस बस प्यार दो, मुझे बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। तो गाइज एक खबर आप लोगों को दे रहा हूँ आज मैं, शादाब खान की और शादाब खान के ऊपर जो लड़की ने रेप केस फाइल किए उन दोनों की एंटीसिपेट रिबेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है थाना सेशन कोर्ट से, दोनों की कैंसिल हो गई है। शादाब की क्यों कैंसिल हुई है वो तो अभी मैं हाईकोर्ट में वो मैटर पुटअप करके वहाँ पे हाईकोर्ट समझाऊंगा वो चीज़, लेकिन लड़की जो है लड़की का भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गया, क्योंकि सेशन कोर्ट को सेशन कोर्ट ने ये पुटअप किए रीज़न कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह बाकी है तो इसीलिए बेल नहीं दिया जाए, तो लड़की की भी बेल एप्लीकेशन कैंसिल हो गई। तो जो भी वन साइड अगर न्यूज़ चलवा रहे हैं तो इसलिए क्लेरिफिकेशन देने के लिए मैंने पुटअप किया हूँ, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और जो भी सच है वो जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा, और शादाब जहाँ पे भी है जैसा भी है वो सेफ है एंड ही इज़ नॉट राइट नाउ इन जेल, ही इज़ नॉट इन जेल, ये भी आप लोग फैक्ट्स क्लियर कर लो अपने।